मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे अगेन इन दिस वीडियो विल फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिसन डी जो पहले के कुछ क्वेश्चंस थे वो बेस्ड थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिविजन पे क्वेश्चन बेस्ड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विवेक जॉक्स सिक्स टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड वन मीटर विवेक एक स्क्वायर फील्ड जो कि स्क्वायर फील्ड का साइड है वन फोर्टी मीटर स्क्वायर फील्ड के चारों ओर छः बार दौड़ता है सिक्स टाइम्स ठीक है हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड मीटर्स डज ही जॉग तो पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर और मीटर उसने जॉग किया नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में है ही हैड प्लान टू जॉग फोर पॉइंट फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर उसका उसने प्लानिंग की थी कि वो फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर जॉग करेगा हाउ मच इन मीटर्स इज स्टिल लेफ्ट टू स्टिल टू जॉग अभी भी कितना बाकी है ये निकालना है हमें ठीक है फर्स्ट पोर्शन में निकालना है कि वो कितना किलोमीटर और मीटर्स उसने जॉगिंग किया एंड सेकेंड पार्ट में ये निकालना है कि जब उसने प्लानिंग किया था कि फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर जॉगिंग करेगा तो अभी भी कितना मीटर्स बाकी है उसका उसके जॉगिंग करने में ठीक है तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है स्क्वायर फिगर ए बी सी डी एंड ईच साइड इज वन मीटर जब एक साइड वन फोर्टी है तो सारा साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर में वन फोर्टी मीटर होगा विवेक को स्क्वायर फील्ड के चारों ओर दौड़ दौड़ना है ठीक है स्क्वायर फील्ड है उसके चारों ओर दौड़ना है जब चारों ओर दौड़ना है तो मतलब बाउंड्री पे बाउंड्री के किनारे किनारे दौड़ना है तो क्या निकालेंगे पेरीमीटर निकालेंगे ठीक है तो पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर होता है फोर इंटू साइड फोर फोर इंटू इच साइड दैट इज वन हंड्रेड फोर्टी मीटर है तो so, पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज वन हंड्रेड फोर्टी मीटर देयर फॉर डिस्टेंस जॉग इन वन राउंड वन राउंड के लिए क्या करेंगे वन राउंड के लिए क्या हम निकालेंगे इस स्क्वायर का पेरीमीटर निकालेंगे दैट इज फोर इंटू ई साइड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है फोर इंटू ईच साइड दैट इज फोर इंटू साइड दैट इज फोर इंटू वन हंड्रेड फोर्टी मीटर ठीक है यूनिट्स के साथ हम चलेंगे तो फोर इंटू फोर फोर इंटू वन हंड्रेड फोर्टी इज फाइव हंड्रेड सिक्सटी मीटर डिस्टेंस जॉग्ड इन वन राउंड इज फाइव हंड्रेड सिक्सटी मीटर तो हमें किस कितने कितने टाइम्स वो जॉग कर रहा है सिक्स टाइम्स जॉग कर रहा है तो क्या करेंगे इसको सिक्स से एक टाइम का दिया हुआ है ज़्यादा का निकालने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं देयर फॉर डिस्टेंस जॉग्ड उंड्स छः राउंड का क्या हो जाएगा फाइव हंड्रेड सिक्सटी मीटर मल्टीप्लाइड बाई सिक्स डैट विल कम थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी मीटर मतलब फर्स्ट पोर्शन का हमारी आंसर आ गया पहला क्वेश्चन क्या था हाउ क्वेश्चन था कि सिक्स टाइम जॉब करे तो कितना किलोमीटर्स एंड मीटर जॉक किया तो अभी अभी और निकालो से बाकी ये तो सिर्फ आया कि मीटर इतना जॉक करेगा दिस वे हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर एंड मीटर तो तो वन किलोमीटर में कितना मीटर होता है वन किलोमीटर इज़ सॉरी वन मीटर इज इक्वल्स टू वन बाई थाउज़ेंड किलोमीटर मीटर को कन्वर्ट करना किस में किलोमीटर में तो वन मीटर इक्वल्स टू वन बाई थाउज़ेंड किलोमीटर देयरफोर थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी मीटर में थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिवाइडेड बाय थाउजेंड ठीक है डिवाइड करके कर देखते हैं थाउजेंड से थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी को थ्री थ्री टाइम्स में थ्री थाउजेंड सप्रैक्ट किए तो आया क्या ज़ीरो सिक्स थ्री तो ये जो आंसर आया ये जो क्वेश्चन आया दैट विल बी किलोमीटर और जो रिमाइंडर आ गया वो है मीटर दैट आंसर विल बी थ्री किलोमीटर एंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी मीटर दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑफ आर क्वेश्चन ठीक है अब हम सेकेंड पार्ट निकालेंगे सेकेंड पार्ट में है कि ही आर प्लान टू जॉग फोर पॉइंट फाइव किलोमीटर दैट इज फोर किलोमीटर फाइव हंड्रेड मीटर तो डिस्टेंस प्लैंड टू जॉग कितना है डिस्टेंस प्लैंड टू जॉग इज फोर किलोमीटर एंड फाइव हंड्रेड मीटर पूछ पूछना कि हाउ मच हाउ मच इन मीटर इज स्टिल लेफ्ट स्टिल टू जॉग अभी भी कितना जॉगिंग करना बाकी है तो क्या करेंगे इससे सब कर देंगे थ्री किलोमीटर थ्री हंड्रेड सिक्सटी मीटर को देर फोर यहाँ पे उसने प्लान किया था फोर किलोमीटर फाइव हंड्रेड मीटर लेकिन उसमें सिर्फ जॉग किया है थ्री किलोमीटर थ्री हंड्रेड सिक्सटी मीटर अभी और कितना बाकी था तो क्या करेंगे सब कर दें डिस्टेंस स्टिल टू जॉग किलोमीटर मीटर फोर फाइव हंड्रेड थ्री एंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी जीरो टेन में से सिक्स सब्ट्रैक्ट हुआ तो फोर फोर में से थ्री सब्ट्रैक्ट हुआ तो वन एंड यहाँ पे वन डेट इज वन किलोमीटर एंड वन हंड्रेड फोर्टी मीटर इसको जब कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये हो जाएगा क्या वन वन फोर जीरो मीटर ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ट्वेल्व बैग्स ऑफ राइस व डिलीवर्ड एट अ ग्रोसरी ग्रॉसरी सॉप एक ग्रॉसरी सॉप है जिसमें ट्वेल्व बैग्स ऑफ राइस डिलीवर किया गया द टोटल वेट बींग वन फिफ्टी फ़ोर के जी एंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी ग्राम टोटल वेट कितना था उन ट्वेल्व बैग्स का टोटल वेट था वन हंड्रेड फिफ्टी फोर के जी एंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी ग्राम इफ ऑल द बैग्स कंटेन एकवल अमाउंट ऑफ राइस जो ट्वेल्व बैग्स थे सारे बैग्स में इक्वल अमाउंट ऑफ राइस है तो फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग वी टू फाइंड द वेट ऑफ ईच बैग ट्वेल्व बैग्स है टोटल जिनका वेट है वन हंड्रेड फिफ्टी फोर के जी एंड टू फाइव हंड्रेड सिक्सटी ग्राम वो इक्वली डिवाइडेड है ठीक है वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ ईच ग्राम ज़्यादा का दिया हुआ है एक का निकालने के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ठीक है तो टोटल वेट ऑफ बैग्स कितने हैं टोटल वेट ऑफ बैग्स या फिर टोटल वेट ऑफ राइस इज वन हंड्रेड फिफ्टी फोर के एंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी ग्राम एंड नंबर ऑफ़ बैग्स कितने हैं नंबर ऑफ़ बैग्स इज़ ट्व देयर फॉर वेट ऑफ़ ईच बैग क्या हो जाएगा क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ज़्यादा ट्वेल्व बैग्स का दिया हुआ है निकालना है सिर्फ एक बैग का है तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं देयर फॉर वेट ऑफ ईच बैग क्या हो जाएगा वेट ऑफ ईच बैग दैट इज ट्वेल्थ से डिवाइड कर देंगे वन फिफ्टी फोर के जी एंड फाइव हंड्रेड सिक्सटी ग्राम को तो सिर्फ वन टू डिवाइड नहीं होगा फिफ्टीन से छोटा या फिफ्टीन तो वन टाइम में ट्वेल्व डिवाइड होता है सब ट्रैक्ट करेंगे तो ये थ्री ऊपर तो से उतरा फोर तो ट्वेल्व का टेबल में थर्टी फोर से छोटा टू टाइम्स में ट्वेंटी फोर सब ट्रैक्ट करते हुए क्या हुआ टेन अब केजी हो गया केजी जी तो उतरेगा नहीं तो केजी जी हम लोग यहाँ लिख देते हैं ठीक है अब क्या हु? आगे बढ़े तो ये फाइव तो एट टाइम्स में नाइन्टी सिक्स तो फिफ्टीन में से सिक्स सब्ट्रैक्ट हुआ तो नाइन दिस ज़ीरो फिर आया क्या ये सिक्स उतरेगा तो फिर से एट टाइम्स में नाइन्टी सिक्स ये ज़ीरो बच गया तो यहाँ पे ज़ीरो लिख दिए और फिर ग्राम लिख दिए दैट इज़ वेट ऑफ ईच बैग इज़ ट्वेल्व के जी एंड एट हंड्रेड एटी ग्राम Okay So this was about multiplication and division and rest few questions will be solved by you all. Thank you.